लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को तोहफा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए MSP बढ़ाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने दावा किया है कि पिछले 10 सालों के दौरान कच्चे जूट की MSP में 122% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। किसान आंदोलन के बीच जूट उगाने वाले किसानों को यह सौगात देना अहम माना जा रहा है। इससे पहले फरवरी में गन्ने की FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। अब कच्चे जूट का MSP 2024-25 सीजन के लिए 5,335 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। इससे उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत पर 64.8% का रिटर्न सुनिश्चित होगा। साल 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट का घोषित MSP सरकार द्वारा बजट 2018-19 में घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना के स्तर पर MSP निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए ये भी कहा है कि ये फैसला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए MSP में पिछले सीजन की तुलना में 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 सालों के दौरान सरकार ने 122% की बढ़ोतरी करते हुए कच्चे जूट के लिए MSP को 2014-15 में 2400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2024-25 में 5,335 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। किसानों की MSP गारंटी की मांग के बीच सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो हर साल MSP बढ़ा रही है और इससे किसानों को फायदा मिल रहा है। वर्तमान सीजन 2023-24 में सरकार ने 524,32,00,000 रुपए की लागत से 6,24,000 गांठ से अधिक कच्चे जूट की रिकॉर्ड मात्रा में खरीदारी की है। आपको बता दें कि एक गांठ में 180 किलो जूट होता है। दावा है कि इससे लगभग 1,65,000 किसानों को लाभ हुआ है। वहीं भारतीय जूट निगम मूल्य समर्थन संबंधी कार्यों का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता रहेगा। ऐसे कार्यों में अगर कोई नुकसान होगा तो उसकी प्रतिपूर्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।